हेलो एवरीवन, दिस इज मी रश्मि। स्वागत है आप सभी का साहित्य ज्योति चैनल में। आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित ईदगाह नामक रचना पढ़ेंगे। यह रचना मुंशी प्रेमचंद जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। इसके अलावा उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाओं में उसकी रात, दो बैलों की आत्मकथा, कफन आदि आते हैं, जिसमें उन्होंने मानवीय जीवन की बड़ी संवेदनाओं के साथ चित्रण किया है। आइए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आती है। तो बच्चों, रमजान क्या होता है? रमजान जो है वो महीना है, एक महीने का नाम है। और इस महीने में क्या होता है, 30 दिनों के बाद, ठीक है, 30 दिनों के बाद ईद का त्योहार आता है। ठीक है, और उस दिन लोग क्या करते हैं, ईद की जो नमाज होती है उसे पढ़ते हैं। देखिए कितना मनोहर और सुहावना प्रभात है। मनोहर का अर्थ होता है सुंदर, ठीक है, सुंदर। और प्रभात का अर्थ होता है सवेरा, ठीक है। यानी ईद के दिन का वर्णन किया जा रहा है कि ईद की जो सुबह है, ठीक है, वह बहुत ही सुंदर और सुहावना है। वृक्षों में कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। लड़के सबसे अधिक प्रसन्न हैं, जल्दी मची है कि लोग ईदगाह के लिए चलते क्यों नहीं। तो बच्चों, ईदगाह क्या होता है? ईदगाह वह स्थान है जहां पर लोग ईद के दिन अपनी नमाज पढ़ने जाते हैं या नमाज अदा करने जाते हैं, ठीक है। और वहीं पर क्या लगता है, मेला भी लगता है। इसीलिए बच्चे जो है वो सबसे अधिक प्रसन्न है और ये सोच रहे हैं कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चल रहे हैं। जल्दी जल्दी ईदगाह जाते तो वहां पर क्या होता, हम लोग मेले में जा पाते। इसीलिए वे काफी ज्यादा प्रसन्न भी हैं और ईदगाह जाना चाहते हैं। अब देखिए, हामिद बड़ा प्रसन्न है, यानी खुश है। वह 4-5 साल का गरीब और दुबला पतला लड़का है। उसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया और माँ ना जाने खूब पीली होती होती एक दिन मर गई। तो यहाँ पर क्या है, आपको हामिद के बारे में बताया गया है कि हामिद जो है वो एक 4-5 साल का छोटा बालक है जो कि बहुत ही गरीब है, दुबला पतला है। और पिछले वर्ष, ठीक है, गत शब्द का अर्थ होता है पिछले, ठीक है, पिछले वर्ष क्या हुआ था, पिछले वर्ष उसके पिता को हैजे की बीमारी हो गई थी, जिससे हैजे के कारण क्या हो जाती है, उनकी मौत हो जाती है। और पिता की मृत्यु के बाद माँ भी जो है वो धीरे धीरे पीली पड़ने लगती है और धीरे धीरे उनकी भी एक दिन क्या होती है, मौत हो जाती है। अब हामिद किसके साथ है, हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में ही सोता है। यानी अब हामिद के पास कौन है, केवल उसकी दादी माँ है। दादी माँ का क्या नाम है, अमीना, ठीक है, याद रखिएगा कि दादी माँ का नाम अमीना है। और हामिद अब अपनी दादी माँ के साथ ही रहता है और हामिद भी बहुत खुश है, ईद का दिन है ना, तो हामिद भी बहुत खुश है कि वह भी ईदगाह जाएगा। अमीना का दिल घबरा रहा है, गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा कौन है, क्योंकि आपको पता है कि हामिद के जो पिता हैं उसकी मृत्यु हो चुकी है, हैजे की बीमारी के कारण उनकी मौत हो जाती है और अब माँ भी नहीं है, तो उसके पास कौन है, केवल दादी माँ ही है, तो उसे अकेले कैसे मेले जाने दे, वह भीड़ भाड़ में कहीं खो ना जाए, नन्ही सी जान, 3 कोस पैदल कैसे चलेगा, पैरों में छाले पड़ जाएंगे। और हामिद के उत्साह का क्या करें, अधिक पैसे भी पास नहीं है, कुछ काम करके कुल 3 पैसे हामिद के मेले जाने के लिए जुटा पाई थी। तो दादी जो थी अमीना, उन्होंने हामिद को कितने पैसे दिए थे, कुल 3 पैसे दिए थे, ठीक है, याद रखिएगा कुल कितने पैसे दिए थे, 3 पैसे, ठीक है। ज्यादा पैसे वो हामिद को दे नहीं पाई थी, कुछ काम करके थोड़े ही पैसे उन्होंने जुटाए थे। हामिद भीतर जाकर कहता है, तुम डरना नहीं अम्मी, मैं
सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल मत डरना। तो हामिद क्या है यहाँ पर अपनी दादी माँ को संवेदना दे सांत्वना दे रहा है, उन्हें समझा रहा है कि तुम चिंता मत करो, मैं मेले में से सबसे पहले चला आऊंगा। गांव से टोली चली, अन्य बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, कभी किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों की प्रतीक्षा करते। तो बच्चों यहाँ प्रतीक्षा का अर्थ क्या है? बच्चों जिन शब्दों के अर्थ आप लोगों को बताए जा रहे हैं ना, उन शब्दों के अर्थ आप लोग लिख लिया करें, ठीक है, ताकि आप उन शब्दों के अर्थ भी पता रहे। इंतजार, तो गांव से क्या होती है, बच्चों की टोली चलती है और कुछ बच्चे क्या होते हैं, भागकर आगे चले जाते हैं, कुछ बच्चे जो है वो पीछे रह जाते हैं, कई बार इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि जो ईदगाह था वो काफी दूर था, लगभग 30 कोस दूर था। इतनी दूर जाना था तो कई बार लोग थक भी जाते थे, तो एक दूसरे की प्रतीक्षा भी करते थे। सहसा ईदगाह पर दृष्टि पड़ी। सहसा शब्द का अर्थ होता है, सहसा शब्द का अर्थ होता है अचानक। अचानक क्या होता है, ईदगाह पर दृष्टि पड़ी, यानी कि नजर पड़ती है, ईदगाह दिखता है जहां नमाज पढ़ना है। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर बिछायत हो रही है। बिछायत यानी बिछाया जा रहा है, सुंदर सुंदर जो कपड़े हैं वो बिछाया जा रहा है, ठीक है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक ना जाने कहां तक चली गई हैं, ठीक है। रोजेदार यानी कि जो नमाज पढ़ने आए हुए हैं वो एक के पीछे एक पंक्तियों में लाइन बनाकर खड़े होते हैं। इस तरह देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है, तो यहाँ पर कुछ लोग खड़े हो गए, यहाँ पर, यहाँ पर, कुछ यहाँ पर, यहाँ पर, इसी तरीके से फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, ऐसे जो है वो लाइन बढ़ती जा रही है और लोग खड़े होते जा रहे हैं। नए वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। जो नए लोग आते हैं वो क्या होगा, पीछे खड़े जाते हैं, मान लीजिए यहाँ खड़े हैं, फिर नया आया तो यहाँ खड़ा हो गया, फिर नया आया तो यहाँ खड़ा हो गया। जो नए लोग आते हैं वो एक के बाद एक पीछे खड़े हो जाते हैं। धन और पद का यहाँ कोई प्रश्न ही नहीं, कोई बहुत अमीर है या कोई बहुत गरीब है तो उससे कुछ लेना देना नहीं है, सब यहाँ पर नमाज पढ़ने आए हैं और सभी आकर खड़े हुए जा रहे हैं। लाखों से एक साथ खड़े हो जाते, एक साथ झुके, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते, एक साथ झुकते, एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ जल उठे और फिर एक साथ बुझ जाए। अपूर्व दृश्य था, मानो भ्रातृत्व भाव का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हो। तो यहाँ पर क्या होता है, सभी नमाज अदा करते हैं, एक साथ खड़े होते हैं, एक साथ बैठते हैं, यानी नमाज अदा करने की जो प्रक्रिया होती है, जो तरीका होता है, उसको वो लोग एक साथ निभाते हैं। और उसको देखकर कैसा लगता है, ऐसा लगता है मानो एक साथ लाखों बत्तियां जल उठी हों, बिजली की लाखों बत्तियां जल उठी हों, ऐसा लगता है। और उन्हें देखकर लेखक को क्या लगता है कि उनमें आपस में भ्रातृत्व, भ्रातृत्व शब्द का अर्थ होता है भाईचारा, ठीक है, कि वे सब आपसी भाईचारे और प्रेम की भावनाओं में बंध गए हों, ठीक है। आगे देखिए, नमाज समाप्त हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तो आपने देखा ही होगा कि जब नमाज समाप्त हो जाता है, लोग नमाज पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद एक दूसरे से गले मिलकर आपस में बधाई देते हैं। बूढ़े और बच्चे भी मग्न हैं। मिठाई और खिलौनों की दुकान पर लोगों का आना शुरू हो गया। तो अब नमाज पढ़ने के बाद लोग क्या है, मेले में जा रहे हैं। और आपने भी देखा होगा कि मेले में क्या होता है, मिठाइयों की दुकानें होती हैं, खिलौनों की दुकानें होती हैं, तरह तरह के चीजों की दुकानें लगी होती हैं। उधर दुकानों की कतार लगी है, ठीक है, कतारें लगी हैं, यानी लाइन लगी हुई है। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और मुजरिम, राजा और वकील, भिस्ती और धोबी, यहाँ पर बहुत सारे खिलौने हैं, जैसे सिपाही और मुजरिम, राजा और वकील, भिस्ती और धोबी,
वाह कितने सुंदर खिलौने हैं, बस अब बोलना ही चाहते हैं। तो उन खिलौनों को देखकर कैसा लगता है, जैसे अभी ही बोल देंगे। महमूद सिपाही लेता है। अच्छा, यहाँ पर हामिद के कुछ दोस्तों के नाम बताए गए हैं, आप ध्यान रखिएगा। जिसमें पहला दोस्त है उसका नाम क्या है, महमूद। ठीक है, महमूद, पहला दोस्त है महमूद। और महमूद कौन सा खिलौना लेता है, सिपाही। ठीक है, महमूद ने कौन से खिलौने लिया, सिपाही। काकी वर्दी लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। कवायद शब्द का अर्थ होता है नियमावली। ठीक है, कवायद शब्द का अर्थ क्या होता है, नियमावली, यानी नियम बनाकर अभी वो चला आ रहा है, ऐसा लग रहा है। और उसका दूसरा दोस्त है हामिद का, जो दूसरा दोस्त है उसका नाम है मोहसिन। ठीक है, पहला दोस्त था महमूद, दूसरा दोस्त है मोहसिन। ठीक है, ये आप लोग ठीक से लिख लीजिएगा थोड़ा, मोहसिन। ठीक है, मोहसिन को क्या पसंद आया, मोहसिन को भिस्ती पसंद आया। ठीक है, मोहसिन को भिस्ती पसंद आता है, हाँ भिस्ती पसंद आई, कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखी हुई है। अच्छा, मशक क्या होता है बच्चों, आपने इससे पहले अंधेर नगरी वाले पाठ में भी पढ़ा होगा भिस्ती और मशक। देखिए बच्चों ध्यान से, मशक क्या होता है, मशक जो होता है वो इस प्रकार का, यहाँ बताती हूँ मैं, देखिए मशक जो है वो इस प्रकार का एक चमड़े का थैला होता है। ठीक है, चमड़े का थैला होता है जिसके अंदर पानी जो है भर के रखा जा सकता है, और ये किसके काम में आता है, भिस्ती के काम में। ठीक है, इसे मशक कहते हैं। और उसका जो तीसरा दोस्त है वो है नूर। ठीक है, तीसरे दोस्त का नाम क्या है, नूर। नूर को क्या पसंद आता है, वकील, वकील से प्रेम है। तो महमूद जो है वो सिपाही लेता है, मोहसिन जो है वो क्या लेता है, भिस्ती, और नूर को वकील पसंद आता है। वकील क्या पहना है, काला चोंगा, नीचे सफेद अचकन के, सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानूनी पोथा लिए हुए है, मालूम होता है अभी अभी अदालत से बहस करके चले आ रहे हैं। अब दो दो पैसे के खिलौने हैं, सब जो हैं जो खिलौने लिए गए वो दो दो पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास 3 पैसे हैं, वह इतने महंगे खिलौने कैसे ले, कि हामिद के पास तो बहुत ही कम पैसे हैं, इतना पैसा है ही नहीं कि वो इतने महंगे खिलौने ले सके, वो बेचारा क्या करे। तो देखिए आगे हम लोग देखते हैं, खिलौनों के बाद किसका नंबर आता है, खिलौनों के बाद मिठाइयों का नंबर आता है। किसी ने रेवड़ियां ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, मजे से खा रहे हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की थी, सब आगे बढ़ जाते हैं, अकेला हामिद दुकान पर रुक जाता है, यानी जो वो लोहे की दुकान थी उस पर हामिद रुक जाता है। कई चिमटे रखे हैं, ठीक है, कई चिमटे रखे हैं, उसे ख्याल आया, ख्याल आया यानी ध्यान आया, उसे ध्यान आया, क्या ध्यान आता है उसे, कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय उनका हाथ जल जाता है, अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी, अंगुलियां कभी नहीं जलेंगी। खिलौनों से क्या फायदा, जरा देर तो खुशी होती है, फिर तो कोई उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। तो यहाँ पर हामिद सोच रहा है वह अपनी दादी के लिए क्या ले ले, एक चिमटा ले ले। क्यों, क्योंकि जब उसकी दादी रोटियां बनाती है तो रोटियां उतारते समय उसकी उंगलियां जल जाती हैं। फिर वो सोचता है कि खिलौने लेने से क्या फायदा, खिलौने तो कुछ दिन खेलो, थोड़ा दिन खेलो, फिर तो कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं, या फिर वो टूट जाता है, तो उसे लेने से कोई फायदा नहीं है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए, तबील के तबील पर सबके सब सर्दी। हामिद सोचता है, देखो कैसे हैं ये सब, इतनी मिठाइयां ली, मुझे किसी ने एक भी नहीं दी,
उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो। खाई मिठाइयां उन्हीं का मुंह सड़ेगा, थोड़े फुंसियां निकलेंगी, जबान चोरी हो जाएगी। मैं क्यों अपनी खराब करूं, मैं तो चिमटा ही लूंगा। दादी उसे देखेगी, दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी, कहेगी मेरा बेटा दादी के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देंगी। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा, मेरे पास पैसे नहीं है। अभी तो मोहसिन और महमूद मिजाज दिखाते हैं, यानी कि यहाँ पर वो सोच रहा है मेरे दोस्त कैसे हैं, सबके सब इतनी मिठाइयाँ खरीदे पर एक भी नहीं दिए। बच्चों ये तो अच्छी बात नहीं है, हमें क्या करना चाहिए, शेयर करने का गुण हम में होना चाहिए, बांटने का गुण हम में होना चाहिए कि हमारे जो दोस्त हैं मित्र हैं हम उनके साथ भी मिलजुल कर आपस में चीजों को बांट कर उस चीज को ले, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हामिद के दोस्त हैं महमूद मोहसिन नूर, वो लोग उससे एक बार भी नहीं पूछते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का, वह अपनी दादी के लिए चिमटा लेना चाहता है तो पूछता है कि यह चिमटा कितने का। दुकानदार ने 6 पैसे बताए। अच्छा, दुकानदार ने उस चिमटे का दाम कितना बताया, 6 पैसे। हामिद का दिल बैठ गया, ठीक ठीक बताओ, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे। यह कहता हुआ आगे बढ़ गया कि दुकानदार घुड़क ना दे, घुड़क ना दे। बच्चे यहाँ पर घुड़क शब्द का अर्थ क्या होता है, घुड़क शब्द का अर्थ होता है डांटते हुए किसी को कही जाने वाली बात। क्योंकि हामिद वो चिमटे का दाम कितना बताता है, दुकानदार 6 पैसे, हामिद के पास कितने पैसे हैं, 3 ही पैसे हैं। तो अब वो कहता है कि 3 पैसों में दोगे, इतना कम दाम बोलने पर हो सकता है ना कि दुकानदार उसे डांट दे, भुड़क दे, यानी कुछ भला बुरा कह दे। तो वो अब डांटे इससे पहले क्या करता है, चलने लगता है कि छोड़ो जाने दो, लेकिन दुकानदार ने घुड़की नहीं दी, डांटा नहीं, ठीक है, बुलाकर 3 पैसे में चिमटा दे दिया, हामिद लेकर चल दिया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले। हामिद ने सफाई दी, तुम्हारे खिलौने क्या है, कोरी मिट्टी, जरा नीचे गिर पड़े तो टूट फूट कर खत्म हो जाए, अगर कोई शेर आ जाए तो मियां भिस्ती के छक्के छूट जाए, मियां सिपाही मिट्टी की बंदूकें छोड़कर भाग जाए, वकील साहब चोंगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उनकी आंखें निकाल लेगा। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं बच्चों, कि जो उनके दोस्त हैं मतलब जो हामिद के दोस्त हैं वो उसे चिढ़ाते हैं कि यह तुम क्या लेकर आए हो। तब वो बताता है कि तुम लोगों का जो खिलौना है वो किसी काम का नहीं है, पर मेरा चिमटा जो है वो तो बहुत ही काम का है, ठीक है। हामिद के तर्क का बच्चों के पास जवाब ना था, औरों ने 3-4 आने खर्च किए पर कोई काम की चीज नहीं ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा दिया। हामिद की बात का ऐसा रोब पड़ा कि जो साथी अभी तक उसे गांठ नहीं रहे थे वे बारी बारी से उसे अपने खिलौने दिखाने लगे। तो जब हामिद बताता है कि उसके पास जो चिमटा है वो कितना कामगार है, कितना अच्छा है, उससे कितने सारे काम किए जाते हैं, तो अब सभी सोचते हैं कि चलो हामिद का चिमटा लेते हैं। तो क्या करते हैं, हामिद को अपना खिलौना दिखाने लगते हैं बारी बारी से, जो अब तक पूछ भी नहीं रहे थे हामिद को, एक बार वो अब हामिद को अपना खिलौना दिखा रहे हैं। हामिद ने खुले दिल से उनके खिलौनों की तारीफ की, उनका चिमटा भी बारी बारी, उसका चिमटा भी बारी बारी, बच्चों दूसरे बच्चे भी उसका चिमटा लेकर देखते हैं कि ये कैसा खिलौना है, कितना मजबूत है। और सबने उसे सराहा, सराहा यानी तारीफ की। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई, मेले वाले घर पहुंचे, यानी जो लोग मेले गए थे वो अब अपने घर आ चुके हैं। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिस्ती उसके हाथ से छीन ली और मारे खुशी के जो उछली तो मियां भिस्ती नीचे गिरे और सुरलोक सिधारे। इसमें क्या बताया गया है कि मोहसिन जो भिस्ती खरीदा था खिलौना,
वो उसकी बहन लेती है और खुशी के मारे ऐसा उछालती है कि खिलौना उसका जमीन पर गिरकर टूट जाता है। मियां नूर ने दीवार पर दो खूंटियां गाड़ी, उस पर लकड़ी का एक पटरा रखा, पटरे पर कागज का कालीन रखा गया और नूरे के वकील साहब उस पर राजा भोज की तरह बिराजे यानी बैठ गए। नूरे ने उन्हें पंखा झलना किया, मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब लुढ़क पड़े और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया, यानी कि यहाँ पर नूर का जो खिलौना है वो भी टूट जाता है। रहा महमूद का सिपाही, उसके लिए एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। महमूद ने टोकरी उठाई और द्वार पर चक्कार लगाने लगे। उसके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से जागते रहो पुकारते हुए चले। इतने में महमूद को ठोकर लगी, टोकरी नीचे गिरी और उसके साथ मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ गिरे। बेचारे की एक टांग टूट गई। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। तो यहां तक हमें क्या पता चलता है कि उसके जो तीनों दोस्त रहते हैं उनके खिलौने एक-एक करके टूट जाते हैं। और अब हामिद की बात सुनते हैं। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में लेकर प्यार करने लगी। था उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी, यह चिमटा कहाँ से ले लिया? तो मैंने मोल लिया यानी खरीद लिया। अचानक दादी आती है और देखती है उसके हाथ में चिमटा है तो पूछती है कि चिमटा कहाँ से लाए हो? तो बताता है कि मैंने मोल मोल यानी खरीद कर लाया हूँ। अब दादी पूछती है कितने पैसे में? हामिद बोलता है 3 पैसे दिए यानी कि 3 पैसे में खरीदा हूँ। अमीना ने छाती पीट ली, ठीक है, यह कैसा बेसमझ लड़का है यानी नादान लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया ना पिया लाया क्या यह चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया यानी प्रेम में बदल गया। जैसे ही हामिद कह रहा है कि दादी जब तुम रोटियां उतारती हो तवे से तो तुम्हारी उंगलियां जल जाती हैं, ये जैसे ही वो सुनती है उसका जो क्रोध रहता है वो प्रेम में बदल जाता है। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया, वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती। तो बच्चों यहाँ पर हमने इस कहानी को पढ़ा ईदगाह में। यहाँ पर हमें हामिद के बारे में पता चलता है कि हामिद एक कैसा बच्चा है जो अपने दोस्तों को देखकर भी अपनी दादी के बारे में सोचता है। जब उसकी दादी रोटियां उतारती है तो उसकी उंगलियां जल जाती हैं तो वो अपनी दादी के लिए चिमटा लेता है। हामिद के अंदर देखिए कितना प्रेम है अपनी दादी के लिए, कितना सद्भावना है, कितना विवेक है कि उसे खिलौने में पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए बल्कि अपनी दादी के लिए कुछ अच्छी चीज लेनी चाहिए। तो बच्चों आशा है कि आपको यह कहानी समझ में आई होगी। इसी के साथ धन्यवाद।